गैस पीड़ित निराश्रित पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा द्वारा पेंशन देने की मांग को लेकर अधिकारियों को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही इस दौरान निराश्रित पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा ने नीलम पार्क में बैठकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की रणनीति भी बनाई। मोर्चे के पदाधिकारियों और सदस्यों ने राज्य और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों सरकारों के द्वारा गैस पीड़ितों की अनदेखी की जा रही है। एक और गैस पीड़ित एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने बसहरा और विधवाओं की पेंशन को रोक लिया है, जिससे उनके सामने बुढ़ापे में रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कब से पेंशन नहीं मिली आप? अच्छा, 1000 मिलते थे वो गवर्नमेंट खा गई। अच्छा, भूख को मर रही है बिल्कुल, उसके पास कुछ नहीं है, वो गरीब खारा इलाज में वो खारा। 2007 में मेरे मिस्टर खत्म हो गए, यूनियन कार्बाइड में ही काम करते थे वो। और फिर मेरा बेटा 2-3 दिसंबर 1984 की रात को 2 मौतें हुई थी मेरे घर में, मेरी सास नसीरत भी और मेरा बेटा राजा 6 साल का उसी दिन सुबह खत्म हो गया। और मैं भी लगातार बीमार रहती हूँ, तो हम चाहते हैं कम से कम 1000 हमें मिले, हमें 600 रुपये महीना पेंशन मिलती है हमको, हमारा कोई गुजारा ही नहीं है। 5 बेटियाँ हमने उनकी शादी ही कर दी अपने घर की, अब हमारा कोई सहारा नहीं बचा, बेटा गैस में खत्म हो गया, हमारा पति 2007 में मौत हो गई उनकी। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि पेंशन बड़ी हुई दे सरकार हमको। जो गैस पीड़ित विधवाएं हैं जिन्हें केंद्र और राज्य शासन की ओर से 1000 रुपये महीना पेंशन दी जाती थी जीविका अर्जन के लिए, वो पेंशन दिसंबर 2019 से बंद कर दी गई। 5000 गैस पीड़ित विधवाएं हैं जिनके समक्ष आज रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। इस उम्र में महिलाएं कोई मजदूरी भी नहीं कर सकती हैं, कोई 80 साल का है, कोई 90 साल का है, ये हमारे बीच में बैठी दुनिया भाई हैं, ये करीब 90 साल से ऊपर की हैं, और ऐसी महिलाओं को सहारे की आवश्यकता होती है, मगर शासन ने उनका सहारा छीन लिया है। तो हम लोग आज यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी भिजवा दिया है कि जो 1000 रुपये महीना पेंशन मिलती थी उसे जारी रखा जाए और 50 करोड़ का एक कार्पस फंड बनाया जाए ताकि गैस पीड़ित विधवाओं को आजीवन पेंशन मिल सके और महंगाई के हिसाब से प्रतिवर्ष पेंशन राशि में वृद्धि होना चाहिए।